हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए नए पुराने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम करेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि आपका जीके से। तो जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर के और नए क्वेश्चन जो बनते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 सितंबर से यानी कि कल से आपके फॉर्म जो है वो आउट हो चुके थे, तो आप ऑनलाइन फॉर्म उसको फिल कर सकते हैं। और पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जीके यानी कि सामान्य ज्ञान का आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नए पुराने सारे क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे। तो बस आपको एंड तक बने रहना है वीडियो में और सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह है 2024 तक। आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित में से किस वाद के साथ संगीतकार तुलसीदास बोरकर संबंधित है? तो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि तुलसीदास जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो वह है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, हारमोनियम से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है, यानी कि इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल 61 में है। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज आदिल शाह का जो मकबरा है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि मॉरिशस गणराज्य के नेशनल एम्बेसी असेंबली ने दिसंबर 2019 में सर्वसम्मति से डैश को मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो किसे मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज सिंह रूपन को। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खानवा का युद्ध डैश और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो था वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, बाबर और राणा संगा के बीच जो था वो लड़ा गया था खानवा का युद्ध। और ये कब लड़ा गया था, ये अगर इसकी डेट आएगी तो ये लड़ा गया था मार्च 16, 1527 को ये लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फर खान को। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 323 ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डमहल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा डमहल, कौन से नृत्य की यहाँ पर बात हो रही है? डमहल नृत्य की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर से ये संबंधित है। तो नए पुराने सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो या नए जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो। तो इन सब वीडियोस के लिए, इन सब क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जल चक्र को डैश भी कहा जाता है। जो जल चक्र है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि आपका जो वाटर साइकिल है उसे क्या कहा जाता है? उसे हाइड्रोक्लोरिक या जलीय चक्र कहा जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में से बोलते हैं हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था सोफिया केनिन ने। किसने जीता था? ये सोफिया केनिन ने ये जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ अधिकतम लिंगानुपात है, जबकि डैश का भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर सिर्फ 887 महिलाओं के साथ है। तो किसमें सबसे कम है ये आपको बताना है, किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हरियाणा राज्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है, 1000 पुरुषों पर सिर्फ 887 महिलाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है, मतलब आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो सबको पता है ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में बीज फसल बीमा वर्ष डैश में शुरू हुई थी। तो बीज फसल बीमा कौन से वर्ष में शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास 1999, 2000 में बीज फसल बीमा वर्ष जो थी वो शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगले क्वेश्चन में कहता है कि सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2019 में दुनिया का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बन गया है? तो दिसंबर 2019 में कौन दुनिया का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है सना मारिन। कौन है? सना मारिन जो है वो दुनिया की सबसे कम उम्र की जो है वो प्रधानमंत्री बन गई हैं। और ये कहाँ की हैं? ये है फिनलैंड की। कौन से देश की? आपका फिनलैंड की ये प्रधानमंत्री बन गई हैं और सबसे कम उम्र के हैं। और ये कब बने थे? 10 दिसंबर 2019 को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बेसबॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगर बात करें गोल्फ की, तो गोल्फ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? गोल्फ है स्कॉटलैंड का। गोल्फ कहाँ का है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। बास्केटबॉल की बात करें, ये कहाँ है? लिथुएनिया का। LITHUANIA लिथुएनिया का है ये बास्केटबॉल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, टमाटर प्याज और आलू में मूल्य अस्थिरता की जांच करने के उद्देश्य से इनमें इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? तो इस भारत सरकार द्वारा घोषित योजना है वो है ऑपरेशन ग्रीन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है कि टमाटर में सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा मान एक अम्लीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू रिप्रेजेंट द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास 2, यानी कि 7 से कम जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होगा US, यानी कि आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, तीन देश मिलके जो है फीफा 2026 का आयोजन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उस नदी का चयन कीजिए जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया है। तो कौन सी नदी है जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया है? वो है मंजीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मंजीरा नदी पर जो है वो सिंगूर बांध बनाया गया है और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। औरंगजेब ने डैश तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो वो था 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का शासनकाल काल था कब से कब तक? 1658 से 1707 ईस्वी तक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह किसका नाम रखा गया है? वो है कांडला। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर हो जाएगा? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल जो है वो बंदरगाह कर दिया गया। और ये कहाँ पर था? ये गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, यानी कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ये गीत के लेखक कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा किसने लिखा था? ये लिखा था मोहम्मद इकबाल जी ने। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी लैंग्वेज में, अगर आपसे पूछ ले जाए कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, ये उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया था। कौन सी लैंग्वेज में? ये उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के सेशन के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस थे जो कि 3 दिसंबर 2020 को हुआ था। तो उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अगले सेशन में अगले 25 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह से रीजनिंग, मैथ और आपका कंप्यूटर के क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक हमारे साथ, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।